नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं नाम किशन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक्सेस के ऊपर, जो कि टाइमिंग के ऊपर वीडियो। कई भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई एक्सेस के ऊपर टाइमिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसकी भी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो टाइमिंग कैसे लगानी है और वॉल एडजस्टमेंट की, जो वॉल एडजस्टमेंट करनी होती है तो टाइमिंग सही जगह पर लगानी होती है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं वॉल एडजस्टमेंट और टाइमिंग सेटिंग की करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, चलते हैं सीधा गाड़ी के पास। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो होने वाली है एक्सेस की टाइमिंग के ऊपर, जो कि टाइमिंग कैसे लगानी है ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो लगाए आज की वीडियो होने वाली है एक्सेस की टाइमिंग सही तरीके से लगानी होती है, जो कि हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना आए और स्मूथ चले गाड़ी। तो सबसे पहले हमें मैगनेट को, जैसे कि घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घुमानी है, तो मैंने मैगनेट को घुमा के यहाँ ले आया है। जस्ट इसके अपोजिट ठीक सामने होनी चाहिए, ये चीज़ें ना ठीक सामने होनी चाहिए यहाँ। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, और ये चीज़ें व्हील है, ये है ना जो हमारे जो इसको ये चीज़ है ना, ये जो इसकी ठीक अपोजिट होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ सामने होनी चाहिए चीज़ें, तभी हमारी टाइमिंग प्रॉपर तरह से लग पाती है या बैठ पाएगी टाइमिंग हमारी। तो हमारी चेन हमने यहाँ सेट कर दी, ठीक है। तो हमें अभी इसे इंसर्ट करनी है वाली चीज़ें ना, जिसको हम बोलते हैं ऑटो डी कंप्रेसर। तो ये हमारी एक्सेस गाड़ी की हो गई ऑटो डी कंप्रेसर। तो हमें इसको कैसे इंसर्ट करना है पहले मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ें ना, यहाँ एक होल है इसके अंदर, तो ये चीज़ें ना इस होल के अंदर इंसर्ट करना है पहले हमें, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो इंसर्ट होने के बाद हमें ये जो दिख रही ना, ये इसके अंदर इंसर्ट करना है ऐसे करके। ओके, शायद कैमरे में सही तरह से दिख जाए हमारे। तो हमें इसको यहाँ इसके तरफ मूव ऑन करना है और इसको इस तरह से घुमा के लेने ऊपर की तरफ, और हमारी टाइमिंग यहाँ रुक गई। और ये जो प्लेटी है ना, इसको इस तरह से यहाँ बिठानी है हमें यहाँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, टाइमिंग इजी है इसकी एक्सेस की बिठाने के लिए। तो कई भाइयों ने बोल रहा था कि यार टाइमिंग के ऊपर वीडियो बनाओ एक्सेस के ऊपर, तो हमें तो मैं ये इसको दोनों टाइट करके लेता हूँ ये सब चीज़ें ना। तो अभी मुझे किसी भी गाड़ी की अगर वाल एडजस्टमेंट करनी है ना, तो ये हमारे पिस्टन टॉप पोजीशन पे होनी चाहिए, और ये चीज़ें ना एरो जो दिख रही है ना, ये वाली एरो यहाँ होनी चाहिए, ठीक। और ये वाली जो निशान दिख रही है ना, ठीक सामने होनी चाहिए। तो मैं ये लगा के ले लिया, और ये उसको हमारे यहाँ है ये वाली। शाम में धंधा मांग रहा हूँ देसी। तो एक चीज़ में बता देता हूँ, मैं फटाफट से सेट करके लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी एक चेक करना होता है, ये काम कर रहे कि नहीं कर रहे हमारे प्रॉपर तरीके से। तो जिस समय इसको छोड़ा ना, तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न आ जा रही है, तो ये आना चाहिए, तभी हमारी वाल के जो कैम होते हैं ना, कैम की लोप होते हैं ना, तभी वो काम कर पाता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें। तो आज की वीडियो टाइमिंग के ऊपर ही थी, उसके वाल एडजस्टमेंट करनी हो तो टाइमिंग सही जगह पर लगानी होती है, तभी हमारे टाइमिंग वाल सेट हो पाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो, सबसे पहले बाय बाय।